हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ट्रैवल ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ गंगोत्री यमुनोत्री। अभी मैं हूँ घनश्याली मार्केट में। यहाँ से उत्तरकाशी की जो दूरी है 105 किलोमीटर है, और चलते हैं फिर। इस सफर की शुरुआत केदारनाथ सीतापुर से की है। सुबह के अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ से मुझे उत्तरकाशी जाना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद मुझे यमुनोत्री के लिए जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं कल गंगोत्री जाऊंगा। एंड रात का सफ़र है, बहुत ही सुहाना व्यू है। और आप कभी भी आते हो तो पहाड़ों पे, तो आपको रात का सफ़र ही बेटर रहेगा। घनश्याली से मुझे धूप की किरणें दिखने बैठ गई, और क्योंकि सीतापुर में बहुत ठंड थी और यहाँ घनश्याली में मुझे धूप लगने की वजह से मुझे थोड़ी गर्माहट हो रही मेरे को महसूस। एंड मेरे को आनंद तो बहुत आ रहा, बट केदारनाथ के बाद मुझे जुकाम भी लग गया और सर दर्द भी हो रहा था मेरे को। पहाड़ के नाम सुनते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सीतापुर से उत्तरकाशी 248 किलोमीटर है, फिर उत्तरकाशी से यमुनोत्री 124 किलोमीटर है, फिर वहाँ से मुझे 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सफ़र काफ़ी लंबा है, पर यहाँ के व्यू उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। दोपहर के अभी 1 बज रहे हैं और अभी हम हैं बनकौट में। यहाँ से यमुनोत्री 80 किलोमीटर है। अभी जो टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है। अभी मैं जाह्नवी चट्टी पहुंच गया। यहीं से मुझे यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी पैदल। उत्तराखंड का जिला उत्तरकाशी, जहां साक्षात माँ यमुना माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई हैं। माता यमुनोत्री वही हैं जो दिल्ली आगरा और मथुरा में सनातन बहती रहती हैं। जिन्हें हम यमुना नाम से जानते हैं। 500 मीटर यमुनोत्री चलने के बाद आपको एक गेट मिलेगा जहां यमराज और शनिदेव विराजमान है। माता यमुना सूर्यदेव की पुत्री थी। सूर्यदेव के 2 पुत्र थे, यमराज और शनिदेव। भगवान पहाड़ों पे वास क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को यहाँ शांति और लोभ लालच मोह माया सबसे परे है पहाड़। तभी लोग पहाड़ में आने के लिए इतना एक्साइट होते हैं। और यहाँ के पेड़ पौधे नदी, इन पहाड़ों को देख के मुझे ऐसा लगता कि ये मेरे से कुछ कहना चाहते हैं। आप ये चोटी में बर्फ़ देख रहे हो गिरे, मैंने वहीं जाना है, वहीं माता यमुना देवी के दर्शन होंगे मेरे को। ये मेरे लिए एक ट्रैकिंग नहीं है, और ये एक भगवान और भक्त के बीच अटूट विश्वास है जो मुझे नेचुरल पावर दे रही है ऊपर चढ़ाई में चढ़ने के लिए। ये
यमुनोत्री चार धाम में से एक धाम है। अभी मैं 3 किलोमीटर कर गया हूँ कंटिन्यू, और 1 घंटे में, और अभी और भी है 3 किलोमीटर और है अभी, देखते हैं और क्या क्या होता आगे, चलते हैं फिर। पहाड़ों में संघर्ष भरा जीवन है, और उत्तरकाशी की जो फेवरेट डिश है फाणू भात है। जो फाणू बनता है वो दाल से बनता है, और भात को हिंदी में चावल बोलते हैं। और यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे और दिल के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ की जो बोली भाषा है वो गढ़वाली है। अभी मेरी लोकेशन है भंडारी घाट, इसको बोलते हैं भंडारी घाट। तो 3.5 किलोमीटर ही चढ़ पाया मैं अभी, 2.5 किलोमीटर और है, और खड़ी चढ़ाई भी है यहाँ, कहीं कहीं पे खड़ी है, कहीं पे डाउन है, ऐसे ऐसे करके है यहाँ की चढ़ाई। बट केदारनाथ से तो अच्छा ही है यहाँ, पर जो आनंद केदारनाथ में है वो कहीं नहीं है। चाहे रास्ता लंबा होगा पर वादियाँ अच्छी थी। पहाड़ में कहीं भी जाओ आप फ़ोटो खींचने के लिए, आपको दुनिया भर के प्लेसेस मिल जाएंगे, कहीं पे भी आप फ़ोटो खींच सकते हो। यहाँ मुझे रास्ते में बहुत सारे अनजान लोग मिले, उन्होंने ही मेरी वीडियो बनाई, और मुझे अच्छा लगता है दूसरों से बात करते हुए। आई होप वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए थैंक यू सो मच। कंटिन्यू 4 किलोमीटर चलने के बाद मेरे पाँव में दर्द भी हो रहा, नीचे तो अच्छा था। मेरे दोस्त बैग और शूज़ और कैमरा, ये मेरे बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, और मेरे साथ कोई भी नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ, सोलो ट्रिप है मेरा ये। केदारनाथ भी मैं अकेले गया था, और यमुनोत्री भी मैं अकेले ही आ रखा, और गंगोत्री में कल जाऊँगा। अभी ऊपर चलते हैं फिर, थकान होने बैठ गई, अभी खड़ी चढ़ाई है 1 किलोमीटर तक। भैरवनाथ से कंटिन्यू ये डॉगी भी मेरे साथ चल रहा है, बहुत ही प्यारा डॉगी है, पहाड़ का डॉगी है ये। ठीक है चलते हैं डॉगी। अभी ऊपर जाने के लिए 500 मीटर और है, और ऊपर तक खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल भी पाँव भी बहुत दर्द कर रहे मेरे, पता नहीं और क्या होता आगे आगे। और बताओ दादी क्या क्या हो रहा आपका? कुछ नहीं, क्या होना बाबा, चल रहे हैं बस। दादी के साथ बात करते करते 500 मीटर का मुझे पता ही नहीं चला कब मैं यमुनोत्री पहुंच गया। फाइनली मैं 6 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करते ही यमुना माता के पास पहुंच ही गया हूं। आप देख सकते हो मेरे पीछे, ठीक है अब जाता हूं माता के पास दर्शन के लिए। मेरे ध्यान इन दुकानों पे था, अचानक इस डॉगी पे मेरा ध्यान पड़ा, मैंने समझा बाघ है, तो मैं बहुत ही डर गया था। उसके बाद मैं अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंसा हूँ।
मेरे साथ जोर से बोलो, यमुनोत्री मैया की जय। पंडित जी बताएंगे आप इस धर्म कुंड के बारे में। बेसिकली कहते हैं पुराणों में कहा गया है कि यमुना पुरम भागेश्वर सूर्य कुंड स्मृतम यशनान मात्र सूर्य लोकी भवे नर। ये जल है ये 100 डिग्री सेल्सियस की उबल रहा है और यही जल अभी इतने गर्म से तो कोई नहा नहीं सकता। जी जी, इसलिए नीचे कुंड की व्यवस्था की जाती है। ठीक है ठीक है। और इसमें लोग चावल प्रसाद इत्यादि बनाया जाता है, जैसे अपनी कन्या को कोई दान के रूप में बोलता है तो मानता जी सूर्यपुत्री है, यमराज और शनि की बहना है। तो सूर्य भगवान ने मानता जी को एक किरण का वरदान दिया जिसके तपोबल से पूरा किरण। क्योंकि पहले यात्रा जो थी वो ऋषिकेश हरिद्वार से पैदल चलती थी और मार्ग कोई नहीं था, नदी के सहारे चला जाता। तो माँ यमुना जी ने सोचा कि अगर मेरे भक्त लोग आएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे रह पाएंगे। तो माँ यमुना जी ने अपने पिताजी सूर्य भगवान से एक किरण का वरदान दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए पिताजी, एक किरण का वरदान दीजिए जिसके तपोवन से पूरा गर्म हो जाए। और जिसमें और इसी में लोग आलू पूरी इत्यादि मनाते हैं। ठीक है, मेन प्रसाद चावल है। धन्यवाद महारानी, जय जय। ये है गर्म कुंड, यहाँ स्नान करने के लिए लोग आते हैं और उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। का ये रात का व्यू है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल मैं उत्तरकाशी से गंगोत्री जाऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।